नाम शोएब है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट हॉबी। सो आज हम अपने एक फ्रेंड को विजिट करने जा रहे हैं जिसके पास कुछ पिजन्स हैं, फिशेस हैं और रैबिट्स हैं। सो आज की वीडियो हमारी कवर करेगी उसके पिजन्स को और आने वाली सभी वीडियोज में आपको उसके में तरह तरह के बर्ड्स को दिखाऊंगा। सो स्टे ट्यून। सर आपका नाम क्या है? अरमान नाम। तो आपका नाम अरमान है सर, आप इन कबूतरों के बारे में थोड़ा बताएंगे, कौन कौन से आपके पास हैं अभी? गोले हैं। और कौन कौन से हैं? गोले हैं, जंगली हैं, रंगीन भी हैं, कर लाल हो गया है जी, लाल गंडे लाल हो गया है जी, गलगोटिया है जी। तो आपके पास पूरे मिला के कितने पेयर होंगे लगभग? ये उड़ने वाले हमारे हैं 80 कबूतर। 80 कबूतर अभी आपके पास हैं और बहुत तरीके के आपने हमें बताए कबूतर इसमें, और महंगे आते हैं, आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अच्छा, काला सिराजी है, लालगढ़ घाघरा है, बनारसी घाघरा। तरीके के कबूतर देख सकते हैं, जैसे कि ये है एक अच्छी नस्ल का कबूतर, इसका नाम क्या है सर? चांदना नाम है इसका। और बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने तरीके के और भी तरीके के कबूतर हैं। और जैसे कि सर ने हमें अभी बताया कि इन्होंने अभी अभी इनको फीड करा हुआ है, सुबह से उड़ा रहे थे तो अभी इन्होंने बंद कर दिया था, तो ये दोबारा खुल गए हैं, तो इस वजह से उतने एक्टिव नहीं है। बाकी सारे अच्छी नस्ल के कबूतर हैं और अच्छे से खिलाते पिलाते हैं ये, हम तो इनको देखते ही आ रहे हैं कि मतलब बड़े बच्चों की तरह अपने ये पालते हैं इन्हें, और हम इन्हें बहुत पुराने टाइम से जानते हैं। तो सर जैसे कि आपने बताया कि इन्हें सुबह से बंद अभी आपने बंद करा था, और इनके खाने से रिलेटेड आप कुछ बताना चाहेंगे कि क्या क्या खिलाते हैं इन्हें आप? इन्हें बाजरा खिलाते हैं अच्छा वाला जी, और बादाम उदाम जी, सर्दी हो जाती है बादाम दे देते। और जैसे कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, सुबह से आज अच्छी खासी बारिश भी हुई है घंटे, तो आप क्या रिकमेंड करोगे कि ठंड में इन्हें क्या खिलाना चाहिए इन्हें बचाने के लिए, और ताकि इन्हें सर्दी ना लगे? गर्म पानी दे दो जी करके जी, मिर्ची जी जी डाल दो जी। बाकी खाने में क्या खिलाते हैं आप इन्हें रेगुलर बेसिस पे, कि रोज वही डालते हो? रोज बाजरा देते हैं। बाजरा? अच्छा बाजरा, अच्छा अच्छी क्वालिटी का बाजरा, गरम पानी, और आपको थोड़ा इन्हें ठंड से बचाना होता है। पानी देते हैं गरम बना के जी, गरम पानी देते हैं। और बाकी इनकी कोई प्रॉब्लम रिलेटेड होती है, जैसे बीमार पड़ जाते हैं, तो आप क्या क्या करते हैं इसको, और कैसे पता करोगे कि वो बीमार है? अगर कोई कबूतर है मेरे पास, वो कैसे आप पता करोगे कि बीमार है? बीमार तो पता लग जाता है देखने में ही, खाता नहीं, सुस्त बैठ जाता है, बीमारी पता लग जाती है, जैसी बीमारी होती है वैसी दवा दे देते हैं। जी जी जी, तो दवा क्या क्या आप देते हैं इन्हें? दवा में बीमारी के ऊपर है, जैसे जब अच्छा अलग अलग तरीकों की बीमारियों के लिए अलग अलग इनकी वो है। मेरे पास एक पेयर कबूतर का है जिसमें सर बताएंगे आपको कि आप मेल और फीमेल कैसे चेक करें, क्योंकि बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि सर मेल और फीमेल कैसे चेक करें जो नए होते हैं, तो उनके लिए ये सर बताने वाले हैं। तो सर कैसे हम पता करें कि कोई भी कबूतर हमारे पास जो है वो मेल है या फीमेल है?
ये जो है ये नर है जी, हीरा वंदेदा जी जी वंदेदा तीरा कहते हैं जी। अभी ये हमारा नया ही है जी, जिसे उड़ा रहे हैं वैसे टावर में उड़ा रहे हैं जी, लड़ भी रहा है जी। और सर एक वो होता है कि मतलब हाथ पे पकड़ के उल्टा लेटाते हैं, अगर नर होता है तो मतलब पलट जाता है, और नहीं पलटते हैं नहीं तो, तो उसका क्या आप कहना चाहेंगे? वो कभी कभी नर मादिन भी पलट जाती है सर। अच्छा, मादिन भी पलट जाती है कभी कभी, क्योंकि मैंने एक देखा था यूट्यूब पे, तो वो यही बता रहे थे, उनका क्या क्राइटेरिया था बताने का कि अगर नर है तो पलट जाएगा, अगर मादिन है तो नहीं पलटेगी, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? तो पलट जाते हैं दोनों ही, उसकी कोई ऐसे पहचान। अच्छा, सर का कहना है कि अगर मादिन जानदार हुई तो वो भी पलट सकती है, उसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप उससे बता सको। बाकी सर ने जैसे कि बताया कि आप गर्दन देख के चेस्ट देख के देखते हो कि नर है कि मादिन है, और बाकी वैसे जो पलटने वाला केस है वो उतना रिलेवेंट नहीं है आपके लिए। और बाकी जैसे कि आप देख सकते हैं सर बता रहे हैं अभी आगे, ये हमारा एक नर है, और अब आपको हम एक मादा दिखाते हैं। अभी अभी हमारे पास सोनू भाई एक मादा लेके खड़े हैं, तो वो अब मादा के लिए कुछ बताएंगे। तो सोनू भाई, कैसे आप पता करोगे कि कोई भी कबूतर आपके पास है वो मादा है या नर है? मादिन भाई अलग ही पता लग जाती है, पतली चोंच की होती है, उसकी गर्दन भी पतली होती है, जिस्म से अलग ही दिख जाती है, मैं मादिन हूँ। नीचे तक कैसे भी ऐसे भी पहचान सकते हैं आप जी जी, की अलग ही होती है मादिन की जी, नर की तय अलग होती है। मादिन की तय कैसी होती है? मादिन की तय पतली होती है, नर की तय चौड़ी होती है। अच्छा सर, नर की तय आप जब छुएंगे तो अलग ही चौड़ी चौड़ी लगेगी जी, जो मादिन की तय होगी जी थोड़ी सी पतली होगी और तो खुली भी होगी तय। और दूसरी बात, नर की तय जो होती है वो पीछे हड्डी से जुड़ी भी होगी हल्की सी, और मादिन की जो होगी वो गैप होगा उसकी तय में, और उसकी गर्दन भी पतली होती है। अब आप इस कबूतर को थोड़ा सा दिखा दिए कि इसके परवर कैसे हैं और बाकी। बहुत से लोग पैर देखने को मांगते हैं, तो पैर भी दिखा पैर, वो सब सही है उसके? जी 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 जी, चलिए ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मतलब जो ओनर होते हैं उनके एक इशारे पे सारे कबूतर अंदर हो जाते हैं, और ये सारे कबूतर अंदर हो गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सर ने कुछ मिट्टी के ढेले रखे हुए हैं, ये कबूतरों को खिलाने के लिए होते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस पूछते हैं सर से कि क्यों इसको खाने के अलावा दिया जाता है, तो सर आप कुछ बताना चाहेंगे कि मतलब इसको अलावा अलग से क्यों दिया जाता है? इनकी हाजमे के लिए दिया जाता है, आए हुआ जो हाजमा कर लें, पेट सही रहे, अगर कोई बीमारी नहीं लगती है, पेट सही रहेगा तो बीमारी कोई नहीं लगेगी। चलिए, ने वीडियो देख ही लिया, और हम अंकल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने मतलब सुबह उड़ा दिया था सबको और हमारे लिए दोबारा खोला, जो कि इनका काफ़ी टाइम ले गया क्योंकि कबूतर जल्दी अंदर नहीं जा रहे थे। तो अंकल आपका बहुत बहुत हम लोग शुक्रिया करते हैं कि आपने हमें अपना टाइम दिया और हमें अपने कबूतर दिखाए और सबको थोड़ी बहुत नॉलेज दी कबूतरों के बारे में।